दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महा मुकाबले से पहले एक बड़ी खुशखबरी टीम इंडिया को जो है वो मिली है और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और आपके हिसाब से क्या यहां पर टीम इंडिया हराने वाली है पाकिस्तान को, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला इस T20 वर्ल्ड कप का जो है वो जीत चुकी है, जहां पर 8 विकेट से आयरलैंड को टीम इंडिया ने जो है वो हराया था। अब यहां पर बहुत ही बड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला, सामने जो टीम होगी वो होगी पाकिस्तान की टीम। बहुत ही बड़ा ये मैच होता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने जो है वो होती है। इस मुकाबले से पहले एक र्यूमर जो है वो फैल रही थी कि रोहित शर्मा ये मुकाबला जो है वो मिस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हर्ट होते हुए जो है वो नजर आए थे। इसके बाद कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि इस मुकाबले में वो मिस कर सकते हैं और जसप्रीत बुमराह जो है वो कैप्टनसी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो है वो पूरी तरीके से फिट है, प्रैक्टिस करते हुए नेट्स में नजर आ रहे हैं और बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी है कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा हमें अवेलेबल नजर आएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे, कप्तानी करते हुए जो है वो आने वाले हैं नजर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा जो है वो फिट हैं और इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं किस तरह की होगी टीम इंडिया की, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा एक और बार ओपन करते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऋषभ पंत बहुत ही अच्छी फॉर्म में है नंबर 3 पर। इनके बाद सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रविंदर जडेजा जो है हमें प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। इनके बाद अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर नंबर 8 पर हमें जो है वो नजर आएंगे। वहीं फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो होगी। पाकिस्तान की बात करें तो पहला मुकाबला ये टीम जो है वो हारी है USA से, यानी कि पाकिस्तान के लिए तो ये मुकाबला डू और डाई का होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और टीम इंडिया भी इस मुकाबले को उसी तरीके से लेती हुई जो है वो जाएगी। आपको क्या लगता है कौन से चेंजेस यहाँ पर टीम इंडिया को जो है वो करने चाहिए, क्या आपको लगता है कोई चेंज करना चाहिए, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।